हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में जो गवर्नमेंट वैकेंसी है, आने वाली जो गवर्नमेंट वैकेंसी है और उस पर क्या अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रही है, उसी के बारे में यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम देख लेंगे जो न्यूज या जो अपडेट हमें देखने को मिल रही है उत्तराखंड में, जो सरकारी नौकरी है स्वास्थ्य विभाग में उसको लेकर। तो देखिए दोस्तों, 1500 से अधिक पदों पर नहीं मिली भर्ती की अनुमति। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो मैंने आपको इस पे अपडेट किया था, पहले भी अपडेट किया है जब ये भर्ती आनी थी। ठीक है, तो देखिए, चुनाव आचार संहिता लागू होने से उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को 1500 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति नहीं मिली है। बोर्ड ने आयुर्वेद, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और श्रम विभाग के अधीन डॉक्टरों और ANM पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी थी। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के खाली पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखंड के विभिन्न विभागों से चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को प्रस्ताव मिले थे। प्रदेश में 8 जनवरी से चुनाव आचार संहिता लागू होने से बोर्ड ने 1500 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी, लेकिन अभी तक आयोग ने इसकी अनुमति नहीं दी है। माना जा रहा है कि 14 फरवरी को होने वाले चुनाव के बाद ही इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड के अनुसार आयुर्वेद विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 256, चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के 393, स्वास्थ्य विभाग में ANM के 824, श्रम विभाग के अधीन ESI अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारी के 33 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मिला है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर DS रावत का कहना है कि खाली पदों पर भर्ती के लिए बोर्ड ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी, अभी तक आयोग से जो है अनुमति नहीं मिली है। आयोग से अनुमति मिलने के बाद ही इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आयोग ने जो है चुनाव आयोग से इन भर्ती प्रक्रिया को कराने के लिए जो है अनुमति मांगी थी, लेकिन अभी भी जो है अनुमति ना मिलने के कारण इन पदों पर जो भी भर्ती प्रक्रिया है वो अभी रुकी हुई है। देखिए, इसमें काफ़ी जो है 256 जो है आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर के हैं, 393 आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज में, 824 आपके जो है ANM के हैं, 33 पद आपके ESI हॉस्पिटलों में जो है डॉक्टर्स के, मेडिकल ऑफिसर्स के हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और भी वैकेंसी आने वाली है उत्तराखंड में जल्द ही, लेकिन देखते हैं अभी कब तक इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाती है। तो इसका जैसे ही उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शंस की बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशंस आएगा, मैं आपको अपडेट करा दूंगा। फिलहाल अभी तक जो है, क्योंकि जो है उत्तराखंड में केवल एकमात्र ऐसा आयोग जो स्वास्थ्य विभाग के लिए भर्ती करवाते हैं उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, आपने देखा होगा हाल ही में जो सोशल वर्कर के पद निकले थे उनका भी भर्ती प्रक्रिया, उनकी भी जो है एग्जाम्स हो चुका है। इसके बाद आपने देखा होगा जो आजकल जो है मेडिकल जो टेक्नीशियंस हैं, जिसमें कि आपके रेडियोग्राफिक टेक्नीशियंस, एक्सरे टेक्नीशियंस है, फिजियोथेरेपिस्ट है, इनके लिए भी जो है एग्जाम सेंटर जो है चूज करने का ऑप्शन दिया गया, इनका भी एग्जाम जल्दी हो जाएगा। तो काफ़ी जो है कह सकते हैं काफ़ी जो है जल्दी जो है यहाँ पे एग्जाम्स हो रहे हैं।